नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप 15 बड़ी खबरों को जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे जीतनराम मांझी का बड़ा बयान, बोले तेजस्वी ही राज्य की भविष्य। फिर आपको हम बताएंगे कि नीतीश सरकार ने किसको जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। 30 जनवरी को महागठबंधन के द्वारा मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। राज्य के कोरोना अपडेट की रिपोर्ट देंगे। राज्य में जहाँ तहाँ गोबर फेंकने पर अब 5,000 तक लगेगा जुर्माना। बिहार को मिली 5,00,000 वैक्सीन। बिहार के जमुई जिले में 15 जनवरी से होगा 3 दिवसीय राज्य पक्षी महोत्सव। साथ ही आपको बताएंगे कि लोगों का काम नहीं करने पर अफसरों को देना होगा 5,000 जुर्माना। राज्य में कब से ठंड बढ़ेगी उसकी अपडेट देंगे। साथ ही बीजेपी नेताओं के द्वारा क्या ऐलान किया गया है उसको हम आपको बताएंगे। नीतीश के ऊपर तेजस्वी यादव के द्वारा क्या बयान दिया गया है, साथ ही उसको भी हम आपको बताएंगे। नियोजित शिक्षक के बारे में हम आपको अपडेट देंगे। और फिर अंत में हम राज्य में चलने वाले पैसेंजर ट्रेन को लेकर आपको अपडेट देंगे। फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर और कर। वीडियो के अंत में हमेशा की तरह आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की सबसे पहली खबर, बिहार की सियासत में फूटा मांझी बम, बोले एनडीए में नीतीश के खिलाफ साजिश, तेजस्वी राज्य के भविष्य। जी हां, बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने इशारों में ही सही सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला किया है। जीतनराम मांझी ने एक तरफ इशारे ही इशारे में बीजेपी पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बताया। आपको बता दें कि मांझी ने रविवार को एक के बाद एक लगातार 2 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार से राजनीति में गठबंधन धर्म को निभाना सीखा जा सकता है, किसी का नाम लिए बिना। उन्होंने आगे लिखा कि गठबंधन में शामिल दलों के आंतरिक विरोध और साजिश के बावजूद भी उनका सहयोग करना नीतीश कुमार की राजनीतिक महानता है। मांझी ने आगे नीतीश कुमार के इस जज्बे को सलाम किया है। दूसरी बड़ी खबर, नीतीश ने अपने फैसले से फिर सबको चौंकाया, उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। कल तक राम सेवक सिंह को जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन राज्य कार्यकारिणी की बैठक में अचानक से उमेश कुशवाहा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उम्मीद के मुताबिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया है, और बाद में उमेश कुशवाहा को जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया। बिहार में किसान कार्ड खेलेगा महागठबंधन, 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाएगा। जी हां, महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार और केंद्र सरकार किसानों की दुश्मन बनी हुई है, लेकिन महागठबंधन किसानों के साथ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों के समर्थन में महागठबंधन 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाएगा जो पंचायत तक जुड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के युवाओं को नीतीश कुमार रोजगार देने में समक्ष नहीं हो पा रही है, पूरी तरह से युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। गाँव में रहने वाले किसानों को भी अब नीतीश कुमार बेरोजगार बनाने पर तले हुए हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, पारंपरिक तरीके से सदन नहीं चला तो सीएम और डिप्टी सीएम का आवास घेरेंगे। जी हां, महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि अगर बिहार विधानसभा अगर पारंपरिक तरीके से नहीं चला तो वह सीएम नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुशवाहा के आवास का घेराव करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि कल विधानसभा के स्पीकर से मिलने के लिए गए थे, स्पीकर से अनुरोध किया है कि आने वाले विधानसभा के बजट सत्र को पहले कर दिया जाए और उसको छोटा कर निपटा दिया जाए। विधानसभा जनता का मंदिर है, उनकी समस्या को यहां पर उठाया जाता है। एक साल में सिर्फ 4 दिन ही सत्र चला पाया है। दूसरी तरफ एक सुर में बोले बीजेपी नेता, बिहार में ऑल इज वेल, 5 साल चलेगी एनडीए सरकार। राजगीर में भाजपा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे और अंतिम दिन पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि बिहार में ऑल इज वेल है, एनडीए की सरकार बिहार में 5 साल चलेगी। लोग किसी भ्रम में ना रहे,
प्रशिक्षण प्राप्त कर कार्यकर्ता ऊर्जावान होकर अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने समापन सत्र में कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए जिले के अधिकारियों को वहां जाना होगा। इससे उन्हें ताकत मिलेगी, साथ ही लोगों तक पार्टी की बात पहुंच पाएगी। आने वाले चुनाव में हम और भी बेहतर व मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के जो कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में जाते हैं, जिला के अधिकारी मंडल कार्यकर्ताओं से बात कर उनकी समस्या दूर करें। दो दिन में 2 डिग्री तक गिरेगा पारा, बिहार में बढ़ेगी ठंड। जी हां, अगले 2 दिनों में बिहार में तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट के आसार है। मौसमविदों के मुताबिक धीरे धीरे सूबे में उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा आ रही है, इस वजह से तापमान लुढ़कने का आसार है। पारे में यह गिरावट सूबे के लगभग सभी जगहों पर दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड बढ़ने के आसार है। रविवार को राज्य के अधिकांश भाग में आंशिक बादल छाए रहने से पारे में कोई कमी नहीं आई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 7 डिग्री तक ऊपर चढ़ा रहा है। लोगों का काम नहीं करने पर अफसरों को देना होगा 5,000 जुर्माना, वेतन से होगी वसूली। जी हां, फरियादियों का काम तय समय में नहीं करने वाले अधिकारियों की अब मनमानी नहीं चलेगी। शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों को 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। यह राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूली की जाएगी। इस आशय का प्रमाण पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सुनाया है। दरअसल पदभार संभालने के बाद डीएम द्वारा प्रखंडों और अंचल कार्यालयों का निरीक्षण करने पर ऐसी गड़बड़ी पकड़ी गई है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। डीएम ने जिला लोक जन शिकायत पदाधिकारी से लंबित मामलों की सूची मांगी है। इस मामले में सोमवार को बैठक के बाद डीएम अंतिम फैसला लेंगे। डीएम ने नौबतपुर, मसौड़ी, फुलवार शरीफ, पालीगंज, फतवा और बख्तियारपुर प्रखंड और अंचल कार्यालय के औचक निरीक्षण में पाया है कि लोग अपना सामान्य कामकाज कराने के लिए प्रखंड व अंचल कार्यालय आ तो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उन्हें बेवजह परेशान होना पड़ रहा है। बिहार के जमुई जिले में 15 जनवरी से होगा 3 दिवसीय राज्य पक्षी महोत्सव। जी हां, बिहार के जमुई जिले में 15 जनवरी से कलरव नामक 3 दिवसीय राज्य पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ताकि पक्षियों विशेषकर प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। एक अधिकारी ने बताया कि पहला राज्य पक्षी महोत्सव 15 से 17 जनवरी के बीच जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभयारण्यों में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि प्रवासी पक्षी इस मौसम के दौरान बड़ी संख्या में अभयारण्य आते हैं। बिहार को मिली 5,00,000 वैक्सीन, 4,67,000 हेल्थ वर्करों का इंतजार खत्म होने वाला है। 300 संस्थानों में टीकाकरण की तैयारी। जी हां, बिहार में कोरोना वैक्सीन की 5,00,000 वायल आने वाली है। वैक्सीन की खेप 1 से 2 दिन में पटना के NMCH में बनाए गए राज्य वैक्सीन भंडारण में पहुंच जाएगी। यहां से प्रदेश के अन्य 10 सेंटरों को भेजी जाएगी। आपको बता दें कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड अस्पतालों को ही वैक्सीन दी जाएगी। राज्य के 4,67,000 हेल्थ वर्करों के वैक्सीनेशन की तैयारी पहले चरण की लगभग पूरी हो गई है, बस अब 16 जनवरी का ही इंतजार किया जा रहा है। कहां कहां पर होगा पहले चरण का वैक्सीनेशन? 21 सदर अस्पताल, 17 अनुमंडलीय अस्पताल, 208 PHC CHC, 3 रेपलर, 1 नर्सिंग होम, 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और 36 अन्य प्राइवेट संस्थान में ही वैक्सीनेशन की जाएगी। जहां तहां गोबर फेंकने पर 5,000 रुपये तक का लगेगा जुर्माना। जी हां, राज्य के मवेशी पालक यदि गोबर सार्वजनिक और खुले स्थलों पर रखते हैं तो उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा ऐसा करने पर 2,000 रुपये, जबकि तीसरी बार और बार बार पकड़े जाने पर प्रति घटना 5,000 रुपये पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी की वसूली बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 228 के प्रावधान के अनुरूप सफाई निरीक्षक के द्वारा की जाएगी। निगम की सशक्त स्थायी समिति ने इसकी मंजूरी दे दी है। रेलवे पैसेंजर को राहत, इस रूट पर पटना और जमालपुर के लिए मेमू अब 31 मार्च तक चलेगी। जी हां, सहरसा से पटना और जमालपुर को आने जाने वाली मेमू स्पेशल ट्रेन अब 31 मार्च तक चलेगी। पूर्व मध्य रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों के संचालन के दिनों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले ये दोनों ट्रेनें 31 जनवरी तक ही चलने वाली थी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि पटना और जमालपुर को सहरसा से
आने वाली मेमो स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अब 31 मार्च तक होगा। 1,00,000 नियोजित शिक्षकों का फोल्डर गायब, टीचरों को खुद वेबसाइट पर सर्टिफिकेट करना होगा अपलोड। जहां राज्य में 1,00,000 शिक्षकों का फोल्डर गायब है, निगरानी विभाग की जांच के बाद भी मिल नहीं पाया है, जिसके बाद अब खुद ही शिक्षकों को वेबसाइट पर अपना शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधित सभी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। बताया जा रहा है कि इसको लेकर शिक्षा विभाग जल्द ही एक वेबसाइट बनाने जा रहा है। जिन शिक्षकों का फोल्डर गायब है उनका नाम डाला जाएगा। ये शिक्षकों को अपना शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधित सभी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यह फैसला शिक्षा और निगरानी विभाग के अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हाँ, राज्य में पिछले 24 घंटे में 359 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 256,778 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 4,489 कोरोना के एक्टिव मरीज है, तो दूसरी ओर सबसे ज्यादा 168 नए मामले राजधानी पटना से आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की जान चली गई है और राज्य में मरने वालों का कुल आंकड़ा 1430 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 411 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रवासी मजदूर को अब अपने ही जिले में मिलेगा रोजगार। जी हाँ, कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान रोहतास जिले में लौटे प्रवासी मजदूर के दिन अब बहरने वाले हैं। प्रवासी मजदूर को रोहतास जिले में ही उनके लिए जीविका का साधन उपलब्ध कराया जाएगा और उनके योग्यता के अनुसार उन्हें उचित रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आगामी 11 जनवरी को समाहरणालय स्थित DRDA सभागार में देश के विभिन्न राज्यों से काम छोड़कर अपने घर लौटे प्रवासियों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि प्रवासी मजदूर से मिलने के बाद उनकी योग्यता को देखते हुए उनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना में नौकरी के साथ साथ रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और अंत की बड़ी खबर, पटना विश्वविद्यालय में शुरू होंगे 3 नए PG कोर्स। पटना विश्वविद्यालय में शनिवार को व्हीलर सीनेट हॉल में काउंसलिंग की बैठक हुई। बैठक में पटना साइंस कॉलेज में पिछले NAAC टीम के सलाह पर PG कोर्स प्रारंभ करने के लिए प्राचार्य प्रोफेसर SR देव ने कई विषयों में PG कोर्स प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा। इसमें PG इन बायोटेक्नोलॉजी, PG इन बायोकेमिस्ट्री, PG इन एनवायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट को अंतिम अनुमोदन के लिए राजभवन तथा राज्य सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि 18 जनवरी को ऑटो चालक धरना देने वाले हैं। जी हाँ, ऑटो संगठन की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अगर 31 जनवरी के बाद शहर में डीजल चलित ऑटो के परिचालन को बंद करने का आदेश को यदि जल्द वापस नहीं लिया गया तो 18 जनवरी को ऑटो चालक धरना देंगे। आज के लिए आपका सवाल बताए कि भारत में बनने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।